The three of us enjoyed it quite a bit, and then it was time for the reveal. This is beef tongue. Oh, I didn't want to know that. तो एक व्यक्ति, गैर जिम्मेदार व्यक्ति, इंस्टाग्राम के माध्यम से और हरियाणा प्रदेश की मेरे प्रदेश की छवि को खराब कर रहा है। शहर के अंदर जो धार्मिक उन्माद है हमारा, आपसी जो भाईचारा जिसको हम बोलते हैं, उसको खराब करने का प्रयास कर रहा है और पुलिस हाथ पर हाथ रहे बैठी हुई है। मैंने सीधा बोला, सर आप बीफ ढूंढ रहे हो, ये तो भैंस का है, भैंस का मीट है। तो उसने बोला कि ये काट के ये दे दो मेरे को सिंपल के लिए। मैंने उन लोग को सीधा एग्जाम्पल, को मैं डर किस बात का, जब मैं बे वो गलत काम करने लगा, डरना किस बात का। हरियाणा काउ प्रोटेक्शन बिल और द गौवंश संरक्षण एंड गौ संवर्धन एक्ट ऑफ 2015 introduced under the Manohar Lal Khattar government has proven to be one of the most stringent of the cow protection bills in this country. Cow vigilantism has continued in the state ever since, and the bill seems to remain defunct with extremely low conviction rates. A recent complaint was lodged with the Gurugram police against two Korean restaurants on July 18, 2023 by VHP and Bajrang Dal leader and advocate Kulbhushan Bharadwaj. The complainant has placed allegations against the Korean restaurant of selling beef and hurting religious sentiments of the Hindus. Bharadwaj was made aware of the selling of beef after he saw an Instagram reel by a food vlogger named @DCTEats. We went to Gurugram and spoke to Advocate Bharadwaj, ACP Varun Dhaiya and the staff of the restaurant to understand the matter. मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से जो मैं देख रहा था उसके अंदर एक व्यक्ति जो है वो बता रहा था कि ये कोरियन रेस्टोरेंट है, सेक्टर 53 के अंदर है, इसका ये नाम है, आप यहाँ पर आइए, आपको यहाँ पर अल्कोहल भी मिलेगी और आपको यहाँ पर मांसाहार के रूप के अंदर मांस भी मिलेगा, और उस मांस के अंदर उसने बताया कि आपको यहाँ बीफ भी मिलेगा, और उसके अंदर जो है गौ माता की जो जीव है वो भी, उनका जो मेन्यू है उसके अंदर दे रखा है कि 2500 रुपये की प्लेट। तो जब मैंने इस प्रकार से इंस्टाग्राम पर ये जानकारी जब मुझे प्राप्त हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, और मैंने देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर यहाँ पर गोवध कानून बना हुआ है और गौ माता को हम पूजा करते हैं, गौ माता की, और इस प्रकार से एक व्यक्ति रेस्टोरेंट, कोरियन रेस्टोरेंट का नाम बताकर, स्थान और समय स्थान बताकर चिन्हित करके और लोगों से आह्वान कर रहा है जिसके फॉलोअर्स 2 लाख के करीब हैं। तब मैंने जो है उसको डाउनलोड करके पेन ड्राइव के अंदर उसकी सारी जानकारी इकट्ठी करके 65B का जो है हलफनामा बना के अपना, और मैंने वो शिकायत पुलिस कमिश्नर साहिबा को दी। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई की जाए। ये एक धार्मिक उन्माद जिसे हम बोलते हैं, किसी भी समय हमारे गुरुग्राम के अंदर लोगों की भावनाएँ आहत होंगी तो धार्मिक दंगा हो सकता है, और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। अभी तक उस व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने एफ आई आर दर्ज नहीं की, और पुलिस कह रही है कि हमने वहाँ पर सैंपल ले लिए। सैंपल लेना एक अलग बात है, जांच का हिस्सा है, लेकिन आप सबसे पहले जो वो ब्लॉगर है, फूड ब्लॉगर है, जिसने के आह्वान किया है लोगों को, स्थान बताया है और रेस्टोरेंट का नाम बताया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई, अब तक मैं जानना चाहता हूँ प्रशासन से। तो ये फर्स्ट टाइम है इसमें जो कंप्लेंट आ रखी है हमारे पास में, ये जो बीफ बेचते हैं हम, जो सबसे बीफ बेच रहे बोल के, लेकिन हम बीफ नहीं बेचते, हम लोग एक्चुअली हम लोग बेचते हैं वो बफेलो, भैंस का मीट का जीव है वो भी। तो अभी बीच में फिलहाल में कल है परसों में नाइट में जो छापामारी हुई थी हमारे यहाँ पर, तो उस टाइम में मैं ही था, बाकी स्टाफ तो चले जा रखे थे घर पर। तो उस टाइम में चेकिंग के लिए जो इंचार्ज है वो बीफ सर्च कर रहे थे, पर मेरे पास तो बीफ है नहीं तो मैं कहाँ से देता हूँ उन लोग को। तो उन लोगों ने बाद में चेक किया तो बीफ, भैंस का जो जीव था वो मिला उनको। तो मिलने के बाद में मैंने सीधा बोला, सर आप बीफ ढूंढ रहे हो, ये तो भैंस का है, भैंस का मीट है। तो उसने बोला कि ये काट के ये दे दो मेरे को सिंपल के लिए। मैंने उन लोग को सीधा एग्जाम्पल, को मैं डर किस बात का, जब मैं वो गलत काम करने लगा, डरना किस बात का, इसी चक्कर में मैंने फिर वो काट को उन लोग के सिंपल के लिए दे रखा था, बस इतना ही है और कोई इश्यू नहीं है। उसका रिपोर्ट 1 डेढ़ महीने में आएगा बोल रहे थे, 3 साल से अभी तक ये मिल रहा है, जब से मैं आया था उस टाइम से मैंने ये मीनू मैंने एक डेवलप किया था यहाँ पर, ये क्योंकि कोरियन लोग को ज़्यादातर बीफ पसंद है, तो हम लोग बीफ के नाम पर बफेलो का तंत देखते हैं। जो ये रेस्टोरेंट के ओनर्स है वो कहाँ के, इंडियन है या कोरियन? नहीं नहीं जी, कोरियन ही है ये जी। तो उनका एक्सपीरियंस, उनसे आपके टच में रहे थे आप, तो उनका क्या कहना है, आपने बताया लेकिन थोड़ा सा विस्तार से और बताया।
तो मैंने उनको बोला था कि ऐसे कोई इशू नहीं है मैडम, ये हम लोग जो बेचते हैं वो बीफ नहीं है, भैंस बफेलो का मीट है, वे बफेलो का मीट है, इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं, इशू नहीं है, हम लोग जो गलत काम कर नहीं रहे तो किस डरने के लिए कोई बात नहीं है। तो वो थोड़ी और इन लोग फॉरनर है थोड़े तो होपलेस हो ही जाते हैं अपने हिसाब से, तो वो ऐसे हो गया ऐसा हो गया सोच रहे थे। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, ऑर्डर जो ऑर्डर करता हूँ वो भी मैंने खुद ही सप्लायर से मैंने मंगा रखा है, और मैंने सप्लायर को कंफर्म करके भी पूछा था। उसके बाद में जो केस हुआ उसके बाद में मैंने पूछा है कि आप गलत तो नहीं माल सप्लाई कर रहे हो, वो कह रहे नहीं हम गलत नहीं कर रहे, कुछ भी गलत नहीं है, आप बेफिक्र हो जाइए। द गुड़गांव पुलिस गॉट द कंप्लेंट रिगार्डिंग द सर्विंग ऑफ बीफ इन सेवरल रेस्टोरेंट्स, कोरियन चाइनीज रेस्टोरेंट्स which is mostly situated in the police station area of sector 53. On that behalf, concerned police station SHO with the help of the food supply officers and the veterinary doctors, they raided on that particular restaurants, and from there they collected various samples, and those samples have already been sent to the concerned lab in Faridabad, and the appropriate action will be initiated and taken on the behalf of Gurgaon Police once the lab report we will receive the reports. Will there be any action taken against the blogger who has done it? Not yet, it's a part of investigation. Once everything will gonna be just crystal clear, so accordingly as per the law, police will take the action. Also, so we met the VHP person, Kulbhushan Bhadwaji, saying that the police is not taking adequate action, and if the police does not take the action, the Hindu organizations are going to do it on their behalf. So what do you have to say about that? Police has already initiated the action. They have already collected those samples on the behalf of the reports. Once we'll get the reports, as we'll take appropriate actions on that. मेरा जो विरोध है, मेरी भावनाएं जो आहत हुई हैं, वो इस बात को लेकर है कि उसके अंदर कहीं पर भी बफेलो का नाम नहीं है। आप देखिए उन्होंने बीफ लिखा, बीफ का क्या अर्थ निकलता है? आप पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। कोई व्यक्ति बीफ का नाम लेकर गुमराह कर रहा है लोगों को? बीफ टंग नहीं, वो बॉफ का था। अच्छा, तो और तो जो वीएचपी लीडर ने आपके अगेंस्ट एलिगेशन लगाया, उनका ये कहना है कि अगर आप कह रहे हैं कि बफेलो है, तो फिर आपने वो फूड ब्लॉगर के अगेंस्ट अभी तक कुछ कंप्लेंट क्यों नहीं? हम लोग अभी करने वाला है, हम लोग उसका अगेंस्ट भी हम एफआईआर दर्ज करेंगे। एक्चुअली जो कोरियन लोग हैं वो उसको बफेलो को भी बीफ ही बोलते हैं। एक्चुअली कोरियन लोग को सबसे ज़्यादा बीफ पसंद करते हैं ये लोग, उसी हिसाब से हम लोग ने जो मीनू में लिख रखा है वो उसका नाम बीफ बोल के लिखा है, लेकिन ये बफेलो का मीट होता है जो एक्चुअली है। आप चाहे कुछ भी लीजिए, बफेलो का ही मिलेगा, इसमें कोई भी काऊ मिट्टी कोई भी शामिल नहीं है इसमें हमारा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वायर। फॉर मोर सच स्टोरीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।